सभी ने देखा क्या किस तरह से बिहार में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। आप लोगों को भी जानने की इच्छा होगी आखिर क्यों पप्पू यादव जी को इस तरह से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। देखिए बात बहुत साफ है, जब कोई व्यक्ति इंसानियत के नाते बिहार वासियों की मदद के लिए हर परिस्थिति में, मैं ये रीजन बता रहा हूं आपको कि पप्पू यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया, जब कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, बुरे से बुरे परिस्थिति में उन लोगों की मदद करता है जो लोग असहाय हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, बेघर हैं, अनाथ हैं, उन लोगों की मदद करता है, उस पे एक आरोप लगा दिया जाता है। वो आरोप जिस आरोप के बुनियाद पर ना जाने कई किस्से गढ़े गए। हम आपको सीधा बताते हैं कि पप्पू यादव को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि पप्पू यादव ने गरीबों की मदद की। यह उनकी सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध पप्पू यादव का गरीबों की मदद करना। दवा से ऑक्सीजन से तड़प रहे लोगों को रेमडेसिविर दवाई उपलब्ध करवाना, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना, अस्पताल में बेड उपलब्ध करवाना, यह पप्पू यादव का अपराध है। और इस अपराध की सजा तो पप्पू यादव को मिलनी ही थी, जो मिल गई। पप्पू यादव इस बात को पहले जानते थे, सुबह 5 बजे से उठकर IGMS, AIIMS, PMCH, NMCH इन अस्पतालों में पड़े गरीब मरीजों के परिजनों को खाना खिलाना और उसके लिए लग जाना। आज से नहीं, 10 दिन पहले से पप्पू यादव को पटना के DM ने कह दिया था कि अगर आप ये कीजिएगा तो आपको जेल भेजेंगे। लेकिन पप्पू यादव नहीं रुके। पप्पू यादव के दिल में दर्द था कि हमारे अगर बिहार की गरीब जनता अस्पताल में बिना भोजन के मर जाएगी तो वो व्यक्ति सोता नहीं था रात भर। अगर अस्पताल में किसी के परिजनों को पैसे के लिए बंधक बना लिया जाता है तो वो पप्पू यादव के पास आता था। अगर किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है वो पप्पू यादव के पास, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है तो पप्पू यादव के पास, किसी के पास घर नहीं है वो भी पप्पू यादव के पास। और आज तक कोई एक व्यक्ति हमें आके बताए जो पप्पू यादव के पास खाली हाथ से गया हो। RJD के बड़े बड़े लीडर, भाजपा के बड़े बड़े लीडर, जदयू के बड़े बड़े लीडर और अन्य दलों के बड़े बड़े लीडरों की मदद पप्पू यादव ने की। यह सजा थी पप्पू यादव की। बिहार सरकार ने तो कहा, पुलिस ने बताया कि पप्पू यादव की यह सजा है। पप्पू यादव की हार ये नहीं हुई है। अगर आज पप्पू यादव जेल गया है तो हम सुबह से भूखे पेट, जब से हमें यह सूचना मिली तब से हम थाने के बाहर थे, हम हाथ जोड़ रहे थे कि अगर पप्पू यादव बाहर नहीं रहेगा, पप्पू यादव बिहार में नहीं रहेगा तो लाखों जाने जाएगी दवा के अभाव में, लाखों लोगों के परिवार को प्राइवेट अस्पताल वाले जिंदा नोच लेंगे। पप्पू यादव से किसको डर था? आम गरीब लोगों को, मिडिल क्लास परिवार को। पप्पू यादव से डर था नीतीश कुमार को, पप्पू यादव से डर था मंगल पांडे को, जिसकी काली करतूत ये लोग उजागर कर रहे थे हर दिन हॉस्पिटल में जाकर। ये तो वही लालू जी के चारा घोटाले वाली बात हो गई ना। जगन्नाथ मिश्रा को, वर्तमान मुख्यमंत्री को आपने बड़ी कर दिया और लालू यादव आज तक सजा काट रहे हैं। उसी तरह राजीव प्रताप रूरी, जिसके सारण में हजारों मौत हुई, एम्बुलेंस के अभाव में रिक्शा पर, ठेला पर और अन्य माध्यम से अपने अपने मरीजों को लेकर सारण और छपरा में लोग अस्पताल पहुंच रहे थे और उस समय 40 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूरी के घर से बरामद होता है। 302 का मुकदमा किस पे बनता था? हजारों जान लेने वाले राजीव प्रताप रूरी पे कि पप्पू यादव पे? पप्पू यादव ने तो सारण की जनता और छपरा की जनता के लिए
उन एम्बुलेंस को चालू करने की मांग की थी। रेमडेसिविर ऑक्सीजन का भाव में पूरे बिहार में हजारों जाने गए, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट होने की वजह से। स्वास्थ्य मंत्री कौन था? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री था। किस पे मुकदमा होना चाहिए था? मंगल पांडे पे होना चाहिए था। पप्पू यादव ने तो सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली कि हमारे बिहार में कुछ नहीं है। वो न जात देख रहे थे, न धर्म देख रहे थे, न किसी पार्टी को देख रहे थे। जो उनके पास आ रहा था उसकी मदद कर रहे थे। यही ना था पप्पू यादव का अपराध? आप यही ना बताइएगा? राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति में इतना अंधा मत हो जाइए कि आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे। बिहार का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा परिवार बताए मुझे जो पप्पू यादव से मदद ना लिया हो, जिसका परिवार पप्पू यादव से मदद नहीं लिया हो। ठीक है, राजनीतिक द्वेष अपनी जगह है। आप पहले गिरफ्तार कर लाते हैं कि आप पीएम सीट में खाना बांट रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल का आपने उल्लंघन किया, 144 धारा का उल्लंघन किया, तब आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर तुरंत आपके सुर बदल जाते हैं, आप कहते हैं कि 32 साल पुराना। आप बताइए, हाईकोर्ट का निर्देश है, हाईकोर्ट ने कहा कि 7 साल से कम की कोई भी अगर इस तरह से या पुराने मामले हैं उसमें आप अभी गिरफ्तारी मत कीजिए। पप्पू यादव कोई रोड पे चलते क्रिमिनल है क्या? गुंडा था क्या? जनसेवक, जनप्रतिनिधि, 4 बार सांसद, 2 बार एमएलए, और उसकी गिरफ्तारी इस कोरोना काल में जब वो हजारों लाखों जिंदगियां बचा रहा था। अरे नीतीश कुमार जी, जाते जाते अपनी जमीन को क्यों बेच रहे हैं? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह भाजपा की बहुत बड़ी साजिश है, और भाजपा और यह दिल्ली से आदेश नीतीश कुमार को आया था, हम जानते हैं। लेकिन किस तरह का गठबंधन नीतीश कुमार जी, जब आपका बिहार बचाने में एक व्यक्ति आपका सहयोग कर रहा है और आप उसको बलि का बकरा बना दिया आज अपनी सत्ता बचाने में। हम मुकेश सहनी जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, श्याम रजक जी का आभार व्यक्त करते हैं, आरजेडी के प्रवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें कम से कम खुलकर बोलने की ताकत है। हमारे साथ आरजेडी परिवार खड़ा हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। समाजवाद विचारधारा के लोग, समाजवादी लोग बहुत बखूबी जानते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मुन्ना शुक्ला 47 और कार्रवाई से मैं गोली चला रहा था। मुन्ना शुक्ला को अरेस्ट किया गया का? क्यों नहीं अरेस्ट किया गया मुन्ना शुक्ला को? भाई बहुत सारे से मामलाएं अभी भी लंबित पड़े हुए हैं कोर्ट में, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? भले तेजस्वी जी की सोच कुछ और हो, लेकिन मैं तेजस्वी जी से भी कहना चाहूंगा कि पप्पू यादव जी ने जाते जाते एक बड़ी जिम्मेदारी आपको देके गई है कि आप लोगों की मदद कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि वो आपके साथ हैं। अभी भेदभाव करने का समय नहीं है, बिहार को बचाने का समय है। लालू जी भी ने कहा कि बिहार को बचाइए, और अभी बिहार को बचाने का समय था इतना बड़ा जनप्रतिनिधि को। बिहार सरकार ने भाजपा के दबाव में बलि का बकरा बनाया है, तो हम चुनौती देते हैं नीतीश कुमार को, राजीव प्रताप रूडी को, पप्पू यादव को। अगर एक भी खरो चाहे ना राजीव प्रताप रूडी जी, तो छपरा के ही लोग, सारण के ही लोग आपके घर में घुस के तांडव करेंगे, याद रखिएगा। वो व्यक्ति किसी जाति विशेष का नेता नहीं है, किसी धर्म का नेता नहीं है। उस व्यक्ति ने भले ही मंदिर नहीं बनवाया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर, स्वास्थ्य के लिए दवाई, जीने के लिए दवा और रहने के लिए घर उपलब्ध करवाया राजीव प्रताप रूडी जी। आप जब विधायक बने थे तो पप्पू यादव सांसद बन चुका था, इस बात को याद रखिएगा। पप्पू यादव ने समझौता नहीं किया इसलिए आज तक, और उन्हें किसी मंत्री और केंद्रीय मंत्री का लोभ भी नहीं है, वरना पप्पू यादव कब का केंद्रीय मंत्री बन चुका होता। लेकिन वो आपकी तरह दलाली करना नहीं जानता पप्पू यादव। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि बिहार के जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें जमीर बाकी है तो पप्पू यादव के लिए ट्वीट कीजिए,
पूरे देश में आज पप्पू यादव नंबर वन पे चल रहा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमने पप्पू यादव को सबक सिखा दिया, आप महान हैं, आपसे हम हार गए, लेकिन जानते हैं आपसे कौन कौन हारा? अस्पताल में पड़ा हुआ मरीज, गरीब मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला, जिसको लॉकडाउन में खाने के लिए पैसे नहीं थे, वैसे लोगों को पप्पू यादव सुबह शाम खाना खिला रहे थे। जिसका कोई नहीं है बिहार में, अस्पताल में भर्ती नहीं ले रहा है, वो हार गया आपसे। आप जीत गए, आपने गरीबों को मार दिया, आपने जान नहीं बचाई, आपने जाने ले ली। पप्पू यादव गरीबों के लिए जीता है, यह हार पप्पू यादव की हार नहीं है, यह पीड़ित शोषित लाचार वंचित लोगों की हार है, जिसे इस भ्रष्ट सत्ता ने, इस भ्रष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था ने मार डाला था। उसकी जान बचाने के लिए पप्पू यादव जी सबको पड़ते। एक नेता बताइए, एक नेता जो सड़क से लेकर शमशान तक आपके साथ खड़ा हो, शमशान तक लाशें जलाई है पप्पू यादव ने, जिसका कोई नहीं कैश बिहार में। लाशें बक्सर में हजारों लाशें, सैकड़ों लाशें बह रही थी बक्सर नदी में, कोई आवाज उठाने वाला था क्या? पप्पू यादव को क्यों जेल भेजा गया? स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली, एम्बुलेंस की पोल खोली, भ्रष्ट सरकार की पोल खोली, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग की पोल खोली, रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग की पोल खोली, इसलिए पप्पू यादव का हवालात के पीछे जाना पड़ा। पप्पू यादव जी ने अन्न का एक दाना नहीं लिया जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक अपराधी की तरह 9 घंटे उन्हें हाजत में बैठाया गया। कोई जनप्रतिनिधि को 9 घंटा हाजत में कुर्सी बैठ सुना है आपने? पप्पू यादव ने एक निवाला अपने गले से नहीं उतारा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस समय पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो रही थी, उस समय गरीबों में बरतने वाला सारा खाना सीज कर लिया गया था। ऐसा नेता होता है क्या? और आज जो घर में चुपचाप बैठकर टीवी देख रहे हैं, हम उनसे अपील करेंगे, हो सके तो आप सड़कों पे उतरिए, और नहीं हो सके तो आप अपने पूरे परिवार के साथ ट्विटर पर बैठिए, #ReleasePappuYadav लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, ताकि इस निकम्मी सरकार की नींद खुले। और ये जो प्रधानमंत्री है जिन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी, 543 सांसद हैं आज इस देश में। जब पप्पू यादव सांसद था तब भी गरीबों के लिए दिल्ली से लेकर बिहार तक करता था, और आज सांसद नहीं है तब भी है पूरे बिहार से लेकर दिल्ली तक कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी जी को जरा भी शर्म है तो हम कहना चाहेंगे कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए, रूढ़ी की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। 40 ड्राइवर जिससे व्यवस्था ना हो सके, जो अपने लोकसभा को सशक्त और देश को सशक्त करने की बात करता है, उसके साथ बिहार रहेगा क्या? कि जो 4,000 असहाय लोगों को खाना खिला रहा है, हर एक दिन उनके लिए जी रहा है, उसके साथ में बिहार रहेगा? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से, पप्पू यादव जी के लिए इस लॉकडाउन में एक पोस्ट लिखिए, ताकि पप्पू यादव जी को यह ना लगे क्या सरकार के सामने वो हार गए। अरे जिस व्यक्ति को पटना के बाद, कोसी के बाद जो व्यक्ति नहीं जीता, जिस व्यक्ति को वोट से मतलब ना हो, वो व्यक्ति बिना किसी लोभ लालच के आपके बीच खड़ा है, कितना इम्तिहान लीजिएगा आप लोग। पटना के बाढ़ में तो देखा पप्पू यादव से ज्यादा किसी ने नहीं किया, आपने वोट नहीं दिया। अगर कोई और नेता होता तो पप्पू यादव इस तरह से कोरोना काल में जो उतर के, चमकी बुखार पप्पू यादव, बाढ़ पप्पू यादव, हर मामले में पप्पू यादव, बलात्कार होता पप्पू यादव, और इसके बाद अगर विधानसभा पप्पू यादव को आप लोगों ने हरा दिया, और उसके बावजूद इस कोरोना काल में भी पप्पू यादव खड़े होकर आपका साथ दे रहा है, इससे बड़ी बात किसी नेता, किसी जनप्रतिनिधि के लिए आप सोच सकते हैं क्या? जिसको आपने वोट नहीं दिया वो फिर भी आपकी जान के लिए सोच रहा है, और जिसको वोट दिया वो 40 एम्बुलेंस अपने घर में छिपा कर रखे हुए आपके बारे में नहीं सोच रहा है। धर्म से ऊपर उठिए। पप्पू यादव ने मदद करते समय किसी से यह नहीं पूछा था कि आप जादव हैं, आप भूमियार हैं, आप राजपूत हैं, आप महतो हैं, आप कोयरी हैं, कुर्मी हैं।
पप्पू यादव ने सिर्फ ये पूछा कि आप इंसान हैं, उसने सिर्फ इंसानियत को देखा, मानवता को देखा। और आज मानवता को शर्मसार करते हुए जितनी गंदी राजनीति तक बिहार में खेली गई है ना, पूरा बिहार और पूरा देश इसको देख रहा है, और पूरा देश आज पप्पू यादव जी के साथ है। आप सभी पप्पू यादव जी के साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।